नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस मंच पर। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में हमने तीन वीडियो कंप्लीट किए हैं और तीन वीडियो के बाद हम लोग आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अलजेब्रिक फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो अलजेब्रिक फॉर्म में क्वेश्चन मिलते हैं हमें, जो फार्मूले बेस्ड होते हैं, यानी फार्मूले जब तक नहीं याद होते हैं तब तक हम उन क्वेश्चन को करने में असमर्थ होते हैं, नहीं लगा पाते हैं। तो वो सारे जो क्वेश्चन आज बन रहे हैं, पहले मैं फार्मूले बताऊँगा आपको कैसे फार्मूले को समझना है और किस तरीके से विद इन सेकेंड में आपको आंसर देना है। ये सारी चीज़ें आज सीखना है, ठीक है। तो लेकिन सबसे पहले इस के लिए आपको फार्मूले याद होने चाहिए। याद होने चाहिए मतलब रटे होने चाहिए, कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर फार्मूले के आधार पर आपको दिख रहा है कि ये लग रहा है कि फार्मूले से हो जाएगा, मैं बताऊंगा इसमें कि कैसे आपको देखना है कि ये क्वेश्चन फार्मूले से लगेगा या नहीं लगेगा। ये सारी जानकारी मैं यहाँ पर दूंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ फार्मूले मैं आपको बताने वाला हूँ, वो नोट करिए और वहाँ से फिर शुरू करेंगे क्वेश्चन लगाना, ठीक है। सबसे पहले फार्मूले तो देखते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक फार्मूला सभी को पता है। क्या है बेसिक फार्मूला? तो बेसिक फार्मूला सबको पता है भाई, ये है बेसिक फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सबसे बेसिक फार्मूला है, बच्चे को पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। दूसरा फार्मूला बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। तीसरा फार्मूला है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन यहाँ पे इसका बन जाता है a प्लस बी ए ब्रैकेट में और a ब्रैकेट में a माइनस बी। अब आते हैं क्यूब वाले पे, जो क्यूब से फार्मूले बनते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या हो जाएगा a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ए बी। अभी यहाँ पे हमने पांच फार्मूले लिख दिए हैं। अब एक फार्मूला मैं स्क्वायर का और लिखना चाहता हूँ, पहले मैं क्यूब का लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब, क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। कुछ यहाँ फार्मूले लिखते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर कितने फार्मूले हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः, ये आ गया आपका सातवां। अब आते हैं आठवें पर। तो आठवां फार्मूला मैं बता रहा हूँ स्क्वायर का ही है, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू कॉमन ले लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनको नोट कर लेंगे। इनको नोट करने के बाद कहीं पर नोट करेंगे, एक बार देखेंगे कि कैसे कौन से फार्मूले हैं, याद हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, सब याद करने की हमें कोशिश करना है, ठीक है। ये याद करने के बाद मैं एक बेहतरीन फार्मूला देखो, इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हैं, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्योंकि ये तो याद ही होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। अब इसके बाद जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो पहले हम डिस्कस करते हैं, उसको हम बता देते हैं पहले, ठीक है। इसको पहले नोट कर लीजिए, चलिए मैं रफ नहीं कर रहा हूँ, यहीं पर मैं जगह लेके बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही अच्छा फार्मूला है ये, कौन सा है, ए क्यूब प्लस, ये जरूर याद होना चाहिए सभी को, ये जरूर याद होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस
थ्री ए बी सी इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस सी ए। ये बेटा फार्मूला याद रखना है सभी को, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसके आगे लिख भी दे रहा हूँ ये कैसा है भाई, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद जरूर रखना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन कैसे लगने हैं, ये सब चीज़ों पर चलते हैं। हमने बताया आपको कौन कौन से फार्मूले ध्यान में रखने हैं, तो सबसे पहले आपको फार्मूला ध्यान में रखना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वाला फार्मूला, फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाला फार्मूला, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में ये दो फार्मूले, ये दो जो फार्मूले हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये दो फार्मूले ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। और उसके बाद जो इस फार्मूले की महत्ता, जो इस फार्मूले की महत्ता है, मतलब ये फार्मूला इतना ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में, इसका भी बताएंगे, इसको हम अपने तरीके से करवाएंगे, ठीक है, और क्वेश्चन भी जो मिलेंगे वो भी करवाएंगे, और इसके बाद जो हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे वो क्वेश्चन ज़रूर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं आजकल, है ना। तो चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया, तो अब क्या करते हैं, आते हैं कुछ क्वेश्चन पर ही आते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन पर ही आते हैं भाई। और मैं यहाँ पे हमने ये फार्मूले लिख दिए, और फार्मूले भी आपको मैं दिखाता रहूँगा कि यही फार्मूला मैंने लिखा था और यही फार्मूला हमको अप्लाई करना है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट टाइप पर आता हूँ, यहाँ पर आपको बड़ा बड़ा दिख रहा है बीजगणित सूत्र के आधार पर, बीजगणित सूत्र के आधार पर, ठीक है, पूछ रहे हैं वर्गमूल क्या है, वर्गमूल क्या है, हमारा क्वेश्चन है बीजगणित सूत्र के आधार पर आपको दिख रहा है, इसको कैसे सॉल्व करना है, बस ये सीखेंगे, जितना हम आपको बताएंगे बस उतना ही फॉलो करना है। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन, शायद मैंने ऐसा करवाया भी है पिछली क्लास में, लेकिन फिर से मैं बताता हूँ कि जब भी आपको कोई भी संख्या, कोई भी संख्या दशमलव में हो या नॉर्मल हो, इनटू में दिखें, ठीक है, ऊपर भी इनटू में है और नीचे भी इनटू में है, तो सबसे पहले अगर कहीं पर भी दशमलव लगा हुआ है तो टोटल कितने अंकों, कुल कितने अंकों के बाद दशमलव ऊपर मिल रहा है, कुल कितने अंकों के बाद दशमलव नीचे मिल रहा है, ये काउंट करना सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी यही होगी, ठीक है। तो देखो, ऊपर दशमलव काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर टोटल 9 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, ठीक है, 9 अंकों के बाद। नीचे देखते हैं, अब नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे भी 9 अंकों के बाद दशमलव लगा है, मैंने कहा है 9 अंकों के बाद ऊपर दशमलव लगा है, 9 अंकों के बाद अगर नीचे दशमलव लगा है तो मैं दशमलव सबका कर दूंगा, हटा दूंगा, कैंसिल कर दूंगा दशमलव, ठीक है, सभी का दशमलव हमने क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है, दशमलव ऊपर और नीचे सब कैंसिल हो गया, अब बची हैं केवल मात्र संख्याएं, अब उनको काटना है तो आप सभी काट लोगे। चलिए 81 से हम काटते हैं, 81 देखो 729 से कट जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 * 9 = 72, ठीक है, 9 बार गया। अब 9 से हमने क्या किया, 9 से हमने इसको काट लिया, तो कितने बार जाएगा, 9 * 27 = 54, 36 आ गया, ठीक है, इसको हम 4 * 9 = 36 और 16 * 64, ठीक है। अब इसको हम 16 से इसको काट लेंगे, 16 * 2 = 32, 16 * 8 = 44, 16 * 28 = 44, ठीक है, 289 ही आएगा, ठीक है, 289। अब 289 को हमने क्या किया, 289 को ये 289 से हमने क्या किया, काट दिया, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर सब कुछ कट गया है, बचा क्या है, यहाँ पर बचा है 9 और यहाँ बचा है 15 625, तो हमको यहाँ पर यही चीज़ें केवल बाहर निकाल के रख लेनी है। कितना बचा है यहाँ पर, ऊपर बचा है 9 और नीचे बचा है 15 625। देखिए, ये 9 किसका स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट ज्ञात करना है, स्क्वायर रूट ज्ञात करना है, यानी 3 * 3 को हम क्या लिखते हैं, 9 होता है, और ये क्या होता है, 125 * 125 होता है, तो दो दो पेयर निकलेंगे क्योंकि हमें स्क्वायर रूट पता करना है, वर्गमूल पता करना है, तो क्या आ जाएगा,
ऊपर 3 निकला, नीचे 125 निकला, और यही आपका इस सवाल का उत्तर है, यही इस आपका इस सवाल का उत्तर है। तो इतनी चीज़ें कंफर्म हो गई होंगी, काटना आप यहाँ पर सीख गए होंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, अगला क्वेश्चन सीखते हैं कैसा होगा अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आप ये आंसर लिखे हुए थे, वहाँ पर कितना आ रहा था, तो 3/125 आ रहा था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर हम देखो यहाँ 125 है ना, तो हम क्या करते हैं, नीचे हम अगर 8 से गुणा करते तो 1000 बनेगा, ठीक है। ऊपर भी 8 से गुणा कर दो तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, हमको आंसर देखो दशमलव में दिया है, बटे में नहीं दिया है ना, तो हम ये प्रक्रिया फिर अपना रहे हैं। तो 8 * 3 = 24/ इससे इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब भाई 1000 से किसी भी संख्या को आसानी से हम भाग दे सकते हैं, नीचे कितने 0, 3, तो 3 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, 10 लगा दिया और 2 अंक हमारे पास पहले से हैं, तो 0.024 आंसर सी ऑप्शन इज द करेक्ट। पहले वाले कहीं हैं ऑप्शन है ये, ठीक है, पहले वाले के ऑप्शन हैं 0.024। आपका 3/125 भी सही था, ठीक है। आप अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते तो ये आ जाता, आप 125 से भाग देते 3 को, तब भी आंसर क्या आ जाता, यही आ जाता, ठीक है। तो चलिए इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्या है, 7.5। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको खुद लग रहा होगा ये कौन सा फार्मूला है, 7.5 + 2.5 × 2.5। ये भाई अगर a हमने मान लिया तो ये भी a हो जाएगा, a इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर है ना, प्लस ये हमने अगर b मान लिया तो b इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो क्या a इंटू बी ये लिखा है, ये कंफर्म करना है हमें, है ना। तो 7 × 2 = 14 और 14 × 2 = 32 होता है, तो लगभग ये जान तो 2AB लिखा हुआ है, 2AB लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर ये जान गए कि ये जो 37.5 लिखा है ये 2 × AB लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है, 2 × AB, यानी 2.5 का गुणा 7.5 से करेंगे और इंटू 2 मार देंगे तो 37.5 प्राप्त हो जाएगा। तो हमको ये पता चल गया यहाँ से कि कौन सा फार्मूला लग रहा है, फार्मूला ये जो लिखा हुआ है ना, इसी फॉर्म में तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। तो भाई a की जगह रख दो 7.5, b की जगह रख दो 2.5, तो 7.5 और 2.5 को हमने जोड़ा, 7.5 प्लस, केवल इतना ही करना था, 7.5 और 2.5 को जोड़ा और हमने स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया तो कितना हो जाएगा, 7 × 2 = 9, 9 × 1 = 10, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बराबर आंसर कितना आ जाएगा, 100। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, कन्फर्म। तो ये फार्मूला देखो यहाँ से ही हम समझ गए, जैसे करना कितना होता है, जैसे ये लिखा हुआ है क्वेश्चन ये लिखा हुआ था, हमने देखा ए स्क्वायर है, ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी बी स्क्वायर, और ये लिखा है 2AB, मतलब लिखा किस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ था, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होती है फार्मूले की, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ये, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए ये है, बी ये है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो, यानी 7.5 प्लस 2.5 को जोड़ देंगे और स्क्वायर लगा देंगे, यानी जब इसको हमने जोड़ा 7.5 और 2.5 को 10 आया, 10 का स्क्वायर कर दिया कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक है। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन कैसे करना है, तीसरा नंबर भी देखो, ये लिखा है a a a, एक है ना, तो बी 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 एक है, तो एक का क्यूब हम कर सकते हैं, ये 10.3 का क्यूब लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई, 10.3 का क्यूब प्लस वहाँ पर क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो 1 का क्यूब लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ऐसा फार्मूला हमने आपको बताया है, a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला हमने बताया है, फार्मूला चला गया है कोई बात नहीं है, a क्यूब प्लस b क्यूब का हमने फार्मूला बताया था आपको, चलिए यहीं पर हम सिखाते हैं आपको।
अब नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे तो लिखा हुआ है भाई, नीचे भी देख लेते हैं, नीचे लिखा हुआ है ए स्क्वायर, दो बार है ना 10.3, तो ए स्क्वायर 10.3 का स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये एक है ना, तो एक तो एक का स्क्वायर होता है ना, तो माइनस प्लस एक का स्क्वायर माइनस 10.3 ए इंटू बी, एक क्या है इंटू कर दो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, तो मतलब नीचे ये लिखा हुआ है। ऊपर वाला फार्मूला जहाँ खोलेंगे तो ये भी प्राप्त होगा, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला एक बार समझ लीजिए, फिर मैं फार्मूला लिख के ही बताऊंगा, ठीक है? तो इसका फार्मूला क्या होता है, पहले ए प्लस बी लग दो 10.3+1, फिर इसके बाद ए स्क्वायर यानी 10.3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 10.3×1, ठीक है, ये आ जाएगा, बटे ये अपना उतार देंगे 10.3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 10.3×1, एक ब्रैकेट में ये आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये ब्रैकेट लगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो हम इसको काट देंगे इससे, इसको इससे काट देंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या, 10.3+1 यानी 11.3, और यही हमारा इस सवाल का क्या है, उत्तर है 11.3, यही हमारा इस सवाल का उत्तर है। अब इतना सब कुछ नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे समझना है, ये हमें देखना है। देखो ध्यान से देखो थोड़ा, 10.3, 10.3, 10.3 ये लिखा है ए क्यूब प्लस 1 का क्यूब लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 पे ही वो लिखा है बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर तुम्हें ये फार्मूले की फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले की फॉर्म में ऊपर हमें मिल गया। नीचे क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस, देखो हम जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर फार्मूला मिल रहा है ये, और नीचे क्या मिल रहा है, ए इंटू ए क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर माइनस 10.3 है ना, 10.3×1 कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब यहाँ मिल रहा है माइनस ए बी, और प्लस एक है ना, तो इसको बी स्क्वायर लिख दो, इस फॉर्म में नीचे मिल रहा है। तो ऊपर इसका, इसका जब खोलोगे, इसका फार्मूला क्या होता है भाई, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है। तो आप देखो इससे ये कट जाएगा, केवल आपको a प्लस बी करना था, a प्लस बी करना था, ठीक है। तो आपको केवल देखना था 10.3 में केवल एक जोड़ देना था, जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन आए तो ऊपर ही 10.3 में एक जोड़ दो, 10.3 में जहाँ एक जोड़ा हमने कितना आ गया, 11.3 आ गया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो ये भी कुछ फार्मूला की तरह लग रहा है, ए स्क्वायर ये सेम लिखा है ना, 149 और 149, इधर 51 और 51, लेकिन दशमलव हमें दिक्कत दे रहा है, तो दशमलव को हम क्या करेंगे, खींच लेंगे। इधर भी 1, 2, 3 तीन अंकों के बाद इधर भी दशमलव लगा है, और इधर भी तीन अंकों के बाद दशमलव लगा है, 1, 2, 1, 3, तो हम क्या करेंगे, दशमलव को पहले खींच लेंगे, कैसे, पॉइंट, तीन अंकों के बाद दशमलव खींच लो, मतलब 0.001 हमने लिख लिया, इसको घसीट लिया। अब अंदर तो कुछ दशमलव बचा नहीं, तो अंदर क्या बचा, 149 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 51 का स्क्वायर, यही बचा। नीचे से भी क्या करेंगे, नीचे से भी दशमलव को हम खींच लेंगे, देखो एक अंकों के बाद इधर भी है, एक अंक के बाद इधर, तो एक अंक ही खींच पा रहे, तो 0.1 हमने कॉमन ले लिया नीचे से भी, तो नीचे बचा 149 माइनस 51, इतना बचा। अब एक चीज़ बताओ, इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो एक चीज़ समझना, 149 माइनस 51 और 149 प्लस 51, नीचे क्या है, माइनस वाला ही है, कट जाएगा 149 माइनस 51, तो ये इससे कट गया, वो इधर भी दशमलव था 0.01, अब दशमलव का केवल खेल बचा है 0.1,
अभी दशमलव कैसे हटाया जाए, तो आप कहोगे तीन अंकों बाद नीचे है तो तीन अंक नीचे भी बनाने पड़ेंगे। अब तीन अंकों के बाद दशमलव इधर भी लगाया, तीन अंकों के बाद इधर भी लगाया, दशमलव से दशमलव हमने क्या कर दिया, हटा दिया। अब इधर 149 और 51 को हमने जोड़ा तो कितना आ गया, 200 आ गया। कितना आ गया भाई, 200 आ गया। और नीचे यहाँ पर कितना मिल रहा था, 100 मिल रहा था, यानी 200/100 हमने जहाँ किया तो 100 दोना कितना आ गया, 200, यानी आंसर कितना आ गया, 2। ये क्या है, उत्तर है। बहुत आसान तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया, सी ऑप्शन, और बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग, है ना। तो क्या करना है, पहले दशमलव को खींच लेना है। दशमलव को हमने खींचा, देखो माइनस के इधर भी तीन अंकों के बाद दशमलव था, माइनस के इधर भी तीन अंकों के बाद दशमलव था, तो हमने तीन अंकों के बाद दशमलव हमने घसीट लिया पूरा। तो ये भी बिना दशमलव के हो गया, 51 भी बिना दशमलव के हो गया। तो 149 दो बार लिखा था, तो 149 के स्क्वायर माइनस 51 के स्क्वायर, ठीक है। एक एक अंक ही अंकों के बाद दशमलव 0.1 हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ 149 माइनस 51, इसका फार्मूला खोला तो प्लस वाला हट जाएगा, माइनस वाला माइनस कैंसिल हो गया, प्लस वाला बचा, इसको जोड़ा तो 200 आ गया। नीचे जब पॉइंट को बैलेंस किया, दो जीरो हमें बढ़ाने पड़े, ठीक है। तो वही दो जीरो क्या हो गया, 200 से हमने काट दिए, आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। उम्मीद करता हूँ इतनी बात हमारी समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर फाइव भी दिख रहा है, क्या कह रहा है। देखो यहाँ पर 0.05 × 5, इसको ऐसे ही नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो 5 × 5 = 25, तो 0.25, ठीक है, माइनस इसका गुणा करेंगे तो 5 × 5, लेकिन कितने अंकों के बाद लग रहा है दशमलव, 3 अंकों के बाद। समझिए यहाँ पे 3 अंकों के बाद दशमलव है, तो 5 × 5 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया। यहाँ पर 2 अंकों के बाद है, ठीक है, तो 5 × 5 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, घटाना है, तो घटाने का तरीका, इसको इसमें घटाना है तो पॉइंट बराबर पर लगता है, 0.25, यही तो घटाना है। तो यहाँ पर तो 0, तो 0 में 5 तो जाएगा नहीं, तो 10 में 5 गए कितना आएगा, 5, यहाँ पर आ गया 9, सॉरी 4, 4 में 2 गए 2, यहाँ पे है 2, तो 2 ही हमने उतार लिया, तो 0.225 आपका आंसर आ जाएगा, 0.225, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट। केवल गुणा करना था, सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान था, ये केवल गुणा करना था, ठीक है, कि दशमलव के गुणे आपको आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आप लोग देखे क्या कह रहा है, 2.697 माइनस, मतलब ए माइनस बी का ये होल स्क्वायर लिखा है। अगर हम इसको ए मान लें और इसको बी मान लें, तो ये लिखा क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, कन्फर्म। प्लस इसमें थोड़ा सा आपको सही करना होगा बीच में, ठीक है, एक प्लस निशान है, इसको आपको सही करना होगा। 2.697 प्लस, फिर अब यहाँ पर a प्लस बी लिख रहा है, वही तो है, ये a माना था इसको हमने, इसको हमने b माना था, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। बट्टी नीचे क्या है, नीचे a, इसको a माना था, ये भी a, तो a स्क्वायर प्लस ये b इंटू बी क्या हो गया, b स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ है फार्मूले, संख्या में इधर लिखा हुआ है, लेकिन कौन से फार्मूले के बेस पर लिखा हुआ, इस फार्मूले के बेस पर लिखा हुआ है। तो इसको आप ओपन करते हैं हम लोग, a स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल होगी, ए 2a स्क्वायर 2 ए स्क्वायर, बी भी देखो b और b है तो बी स्क्वायर भी हो जाएगा, तो दो हमने क्या कर लिया, पहले ही कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, आपके सामने आंसर दिख रहा है आसानी से, ठीक है, कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। कहीं पर हमें संख्याएं लिखनी ही नहीं पड़ी, और ऐसे ही हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, कंफर्म। चलो आगे, आप इसको देख सकते हो क्वेश्चन, अगर और बड़े करने हो, नहीं दिख रहे हो तो आप बताइए जल्दी से। चलिए
थोड़ा सा मैं और क्वेश्चन को बड़ा किए दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था, 6 के बाद आते हैं 7 पे, 6 के बाद आते हैं हम लोग 7 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर है ना, तो केवल आपको क्या करना है, इसको इसमें केवल घटा देना है, वही आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी एक टर्म बनेगा और एक टर्म क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो नीचे वाले से कट जाएगा। आपको जब भी इस फॉर्म में दिखे तो 0.06 में सीधा क्या कर दो, 0.06 में माइनस कर दो 0.05, ये तो 6 में 5 के कितना आ जाएगा 1, और 0 में 0 गए 0 0 और पॉइंट, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, केवल आपको घटाना था, तो 0.0 गए, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कंफर्म, 7वां नंबर कंफर्म हो गया, बिल्कुल पिछले के तरीके है, हमने इसको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, आप उसी तरीके से समझेंगे इसको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है ये भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है देखो ए क्यूब बी क्यूब, ए इंटू ए इंटू ए, बी इंटू बी इंटू बी, तो ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी इंटू बी बी स्क्वायर, ठीक है, ये है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, अब इतना देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लस का निशान लगा है तो नीचे माइनस का तो आएगा ही, केवल आपको प्लस का निशान देख के इनको इनको क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो 0.41, 0.69, तो 9 × 10 के 0 हासिल लगे 1, 6 × 4 = 11, 1.1 आंसर आ जाएगा, 1.1 आंसर आ जाएगा, और 1.1 बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, कंफर्म हो गया। चलो आगे देखते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन पूछता है क्यों, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगते हैं, मतलब विद्यार्थी को कितना पता है, विद्यार्थी ये समझ पा रहा है क्या लिखा हुआ है, गुणा तो नहीं करने लगेगा इस पे, ठीक है। चलो तो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 भी दिख रहा है कि ये ए क्यूब लिखा है, ये बी क्यूब लिखा है, और उसी फॉर्म में ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर ये ए इंटू बी लिखा है कि नहीं। अब क्या करेंगे, अब इसको फिर से वैसी जोड़ देना, 0.051 प्लस बी क्या है 0.041, 0.041, 1 कितना हो गया 2, 5 × 4 = 9, 0.092, 0.092, यानी यहाँ से फिर आंसर हमारा आ गया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इतनी बात आपको समझ में यहाँ पर आ गई होगी, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। चलो ये भी हटाते हैं, अब देखिए थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, जिसमें आप सभी को दिक्कत ना हो। देखिए ये देखिए ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब माइनस 3ABC, ये वाला क्वेश्चन करवाया था कि नहीं करवाया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये लिखा है ना। तो जब भी आपको यहाँ पर 3 बार दिख जाए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, और यहाँ इसका फार्मूला क्या होता है, हमने बताया था इसका फार्मूला क्या होता है, थोड़ी देर के लिए आप लोग देखिए, इसका फार्मूला क्या होता है मैं बता देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आपको दिख रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो आप इसका खोल दोगे फार्मूला, इसका फार्मूला क्या खोलोगे, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और नीचे आपको तो ये मिल ही रहा है, ये नोट कर देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस
सी ए, ठीक है। तो देखो कटने वाला क्या है, ये टर्म और ये टर्म सेम है तो ये कट जाएगा, इससे हमने इसको क्या कर दिया, काट दिया। बचा क्या, a प्लस बी प्लस सी, मतलब ये जान गए अगर इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिल रहा है तो केवल बचेगा क्या, a प्लस बी प्लस सी ही बचेगा, इतना ही आपको समझना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ अभी, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पर ही, क्वेश्चन पर आ गए हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन पर आ गए हैं। बस देखो ये देखो उसी टर्म में लिखा है, तो हम क्या करेंगे, a क्या है, a 0.9 है, b क्या है 0.2 है, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा और c क्या है 0.3 है, 0.3 है। हमको क्या करना है, जोड़ देना है सबको, ठीक है। 3, 2, 5, 9, 5, 14 1.4 इस करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 1.4 ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपको ये भी बताया कि कैसे आपको क्वेश्चन समझना है, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला लिखा हुआ था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC वाला, है ना, और आपने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। आगे इस पे आते हैं, अब ये क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ABC प्लस बी क्यूब, वही है। तो मतलब केवल जोड़ना है, क्योंकि नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, क्योंकि माइनस खोलेंगे तो सब माइनस में हो जाएंगे, कन्फर्म। तो यहाँ से हमको केवल क्या करना है, 1/3 ए था, ये ए है 1/3, बी क्या है 1/4, सी क्या है 1/5, तो 1/3 प्लस वही करना है 1/4 प्लस 1/5 कॉमन, 5 × 20 = 60, 3 × 60 को पहाड़ा पड़ेंगे 20 बार जाएगा तो 20 × 20 प्लस 4 × 15 = 60 तो 15 × 15 12 × 5 = 60 तो 12 आ जाएगा। जोड़ लेते हैं, 20 × 15 हो जाएगा 35, 35 × 10 = 45, 2 × 47/7, 47/60 ये आपका आंसर हो जाएगा, और 47/8 हमें दिख रहा है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कंफर्म हो गया। यहाँ से केवल उसी तरीके का सेम क्वेश्चन था, हमने ए बी सी को जोड़ दिया, वही आंसर हमारा हो गया, ठीक है। चलो आगे, ये आ गया। अब देखो ये कौन किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, इस तरीके का क्वेश्चन बना, तो हमने क्या बताया आपको, हमने बताया है कुछ नहीं करना है, केवल इसको इसमें माइनस का निशान दिख रहा है, ये माइनस का, ये माइनस का निशान दिख रहा है यहाँ पर, तो 2.5 में केवल हमको क्या कर देना है, घटा देना है क्या, 2.75 में केवल 2.25 को क्या कर देना है, निशान का है का माइनस का है तो माइनस कर दो, 5 में 5 गए 0, 7 में 2 गए 5 और 2 में 2 गए 0, यानी 0.5 इज करेक्ट आंसर, कहीं पर दिख रहा है 0.5। अब देखो भिन्न में दिख रहे हैं तो कुछ नहीं, 0.5 की वैल्यू क्या होती है, 0.5 को हम जब सॉल्व करेंगे तो 5/0 हटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद कितने अंक हैं तो 1 अंक है, 5/10 यानी 5 × 10 1/कितना आ जाएगा 2, 1/2 और हम जानते भी है 0.5 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कंफर्म हो गया यहाँ। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत सरल सरल क्वेश्चन है, ठीक है, बस ये क्वेश्चन आ जाए तो आपके दिमाग में रहे कि हमको ऐसे करना है तो हो जाएंगे सारे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखो फिर सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर ए क्यूब ये बी क्यूब और माइनस लगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, तो ए माइनस बी बस कर देंगे, 5.71 माइनस किस में 2.79 ये माइनस करना है, तो 11 में 9 गए कितना होता है 2, यहाँ पर बचा 6, 16 में 7 गए कितना होगा 9, यहाँ बचेगा 4, 4 में 2 गए 2, 2.92 यहाँ पर डी ऑप्शन दिख गया है कि यही कह रहा है 2.92 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस सारे सेम क्वेश्चन हमने इसलिए लिए है कि कन्फ्यूजन ना हो आपको, जैसे क्वेश्चन आते जाएँ वैसे ही आप इसका आंसर देते जाओ, ठीक है। चलो आगे,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्या कह रहा है देखो, यहां पर देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ये कुछ भी लिखा है, लेकिन हमको यहाँ पर क्या लग रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी लिखा हुआ है, ए इन टू बी, क्यों? क्योंकि अब यही क्वेश्चन उल्टा करने लगे, उल्टा करने लगे, है ना। यहाँ पर देखो ए क्यूब और बी क्यूब नीचे दे दिया, अब अगर ए क्यूब बी क्यूब नीचे दे दिया तो आप नीचे ही जोड़ कर बता दोगे, 1/2 लगा दो और नीचे जोड़कर आंसर आपको देना है, 137 में 133 नीचे घटा दो, क्योंकि ये उल्टा दे रहे हैं ना, तो तुम भी उल्टा करोगे, 137 माइनस 133, ये उल्टा करें तुम भी उल्टा कर दो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर ऊपर दिख रहा है तो ऊपर ही घटा के आंसर दे दो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर नीचे दिख रहा है तो नीचे घटा के आंसर दे दो, बस वही है, कुछ नहीं करना है। तो 1/ कितना आ जाएगा, 1/ 137 में 135 घटा दिए तो कितना आ गया भाई, 1/4 आ गया, और इस तरीके से सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कुछ समझ में आया कैसे हम कर रहे हैं, आपको भी वैसे ही करना है, कुछ भी सोचना नहीं है इस तरीके के क्वेश्चन में, ठीक है। चलो आगे समझ लो फिर से, पहले ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर मिल रहा था तो ऊपर ही घटा के आंसर दे देते थे, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसमें कहाँ मिला है, नीचे मिला है, तो हम 1 ऊपर 1 हो जाएगा, 1/ नीचे घटा के आंसर दे देंगे, नीचे 137 में 133 को घटा दिया, अगर जोड़ने को कहते नीचे जोड़ देते, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कहते तो नीचे जोड़ देते, ठीक है कुछ समझ में आ रही है बात। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 15, ये देखो ऊपर बात मिल रही है, ए क्यूब बी क्यूब ऊपर मिल रहा है तो ऊपर ही आंसर दे दो, 0.08 में केवल जोड़ना है, क्या 0.02 को जोड़ना है, तो 8 2 10 दशमलव, यानी 0.1 इज द करेक्ट आंसर, 0.1 इज द करेक्ट आंसर, B ऑप्शन इज द करेक्ट। अब देखो ऊपर ही दे दिया, अगर यही ए क्यूब प्लस बी क्यूब नीचे होता तो 1/ हो जाता, बस इतना समझना है केवल, बस और कुछ नहीं समझना है। चलो आगे देखो भाई, इसको मैं हटा रहा हूं, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 हो ही गया है, 16 देखिए, 0.1 इंटू ए क्यूब, ये बी क्यूब है, ठीक है नीचे दिख रहा है। अच्छा देखो बहुत सरल क्वेश्चन है, कुछ कॉमन लिया जा सकता है उसी फॉर्म में बनाने के लिए, ये देखो दोनों तरफ नीचे ए क्यूब बी क्यूब नीचे भी है, तो कुछ यहाँ पे ऐसी चीज कॉमन ले लो कि बिल्कुल सेम ऊपर की जैसे मिल जाए, तो आप कहोगे 0.1 ऊपर तो है लेकिन 0.2 से हम अगर 0.1 कॉमन ले लें, ठीक है, और 0.2 कॉमन नहीं लेंगे, 0.2 हम इससे लेंगे, देखो 2 हम इससे लेंगे, फिर 2 हम इससे भी लेंगे, फिर 2 हम इससे भी लेंगे, ठीक है तभी तो पूरा कॉमन होगा यहाँ पर, ठीक है। देखो एक बार फिर से समझो यार, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है, नहीं तो कुछ बच्चे यहाँ पर गलत कर बैठेंगे और बड़ा डाउट हो जाएगा इनको, ये समझिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी जैसे वैल्यू लिखी हुई है, 2 × 2 × 2, ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो हम कहेंगे अगर 2 कॉमन लेंगे तो कुछ बच्चे क्या कर देंगे, बचेगा क्या सर, 1 × 1 × 1 बचेगा, तो क्या अगर ऊपर वाले में 2 कॉमन लेंगे तो 1 × 1 × 1 बचेगा, नहीं ये कभी नहीं करना है भाई। ऊपर अगर 2 × 2 × 2 कर रहा तो 8 है, और 8 में अगर 2 तुमने कॉमन लिया तो बचा कितना, 4 बचा कितना 4, तब भी बच गया ना, तो छोड़ दिया ना। और क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अगर देखो 2 × 2 × 2 है, 2 2 2 मतलब पूरा 8 खींचो, तभी तो यहाँ 0.1, यहाँ पे भी 0.1, यहाँ पे भी 0.1 बचेगा। तो एक चीज़ हमें समझ में आ गई, ऊपर तो कुछ कॉमन नहीं लेना है लेकिन नीचे हमें क्या करना है, देखो 0.1 × 0.1 × 0.1 प्लस 0.02 × 0.02 × 0.02 ये लिखा हुआ है नीचे हमने दोनों से 2 2 2 2 2 4 2 8 कॉमन लिया, 8 हिस्से भी कॉमन लिया, जहां हमने 8 हिस्से कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा 0.1, क्योंकि 2 हमने इससे भी ले लिए थे, यहाँ पे भी 2 ले लिए थे, 2 × 2 = 8 तो यहाँ भी 0.1,
फिर इनटू 0.1 कन्फर्म, प्लस दो हमने इससे खींचे हैं तो दो इससे खींचे तो क्या आ जाएगा आंसर 0.02 इंटू, इससे भी दो खींचे क्योंकि आठ खींच रहा हूँ, 0.02 इंटू 0.02। अब देखो ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म सेम हो गया तो मैंने क्या कर दिया, आसानी से इसको काट दिया, आंसर 1/8, आंसर क्या आ गया 1/8। और 1/8 को हम क्या लिखते हैं, 1/8 को क्या लिखते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ऊपर 125 और नीचे 125 का गुणा कर दो, ऊपर 125 और नीचे 125 का गुणा करोगे तो ऊपर 125 आ जाएगा और 125 का जहां गुणा 8 से होता है कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, और 1000 जब हटेगा तो ऊपर दशमलव तीन अंकों के बाद लग जाएगा 0.125 इज द करेक्ट आंसर, 0.125 इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट, कन्फर्म ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ये चीज हो गई। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, कॉमन लेने वाले हैं और ध्यान से आप लोगों को समझना है भाई, ये नहीं तो गलत कर बैठोगे यहाँ पे। ये क्वेश्चन दिख रहा है हमें, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, ठीक है। चलो देखो इनको इनमें केवल कर देना है, घटा देना है ना, 0.05 0.04 और माइनस के निशान है घटा दो, 0.01 इज द करेक्ट आंसर, 0.01 इज द करेक्ट आंसर, 0.01 इज द करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर इस पे, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते 13 × 2 = 26, देखो इसको पहले सॉल्व करते हैं, 13 × 2 = 26 और 26 × 8 कितना हो जाएगा, 26 × 8 हो जाएगा 34, 26 × 8 34/13 ये लिखा है, 34/13 लिखा है, ठीक है। चार में दो गए, दो जोड़ना है इसमें, दो क्या करना है जोड़ना है, इधर दो लिखा है तो हमने इधर जोड़ दे रहा है, तो दो जोड़ेंगे तो 13 × 2 = 26 और 26 × 6 = 4 = 10 के जीरो हाँ से लगे 1 × 3 = 3 = 6 = 26 = 34 कितना हो जाएगा 60/13, ये यानी इतने की वैल्यू हमने सॉल्व कर ली है, कितनी आ गई है 60/13 आ गई है, ठीक है। अब 60/13 प्लस करना है ना, 8 × 5 = कितना है, 8 × 5 = 3 यानी प्लस अब 3 करना है, तो 13 × 3 = 39 और 39 और 60 कितना हो जाएगा भाई 99 हो जाएगा, 39 × 60 कितना हो जाएगा 99 और 99/13 आ गया, ये कितना सॉल्व हो गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब क्या बचा है, 3 प्लस करना है और प्लस 3 हमको क्या कर देना है, फिर कर देना है, तो 13 × 3 = 39 और 99 कितना हो जाएगा, 99 + 39/13 तो 9 × 9 = 18 = 8 हासिल लगे 1 × 9 = 4 = 13 कितना आ जाएगा 13, ठीक है। यहाँ पर तो 13 कहीं पर दिख ही नहीं रहा है तो कुछ गलत है क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि 13 × 26 = 26 + 8 + 2 × 13 = 26 + 26 = 60 + 13 + 3 3 + 3 = 39 + 13 + 3 13 × 39 = 39 × 39 = 13 9 × 9 = 18 + 13 = 31 ठीक है। तो यहाँ पर देखो सभी हम बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं, कहीं पर देखो नीचे यहाँ पर आधार में क्या है, हर में 13 है और नीचे कहीं भी 13 नहीं मिल रहा है और हमारा 13 तो बदलेगा ही नहीं, कहीं से नहीं बदलेगा, ठीक है, या तो कहीं पर निशान की गड़बड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, हमने जो सॉल्व किया है 138/13 ये कन्फर्म है, ठीक है। तो चलिए आगे, 18 नंबर बिल्कुल सही है, इसके ऑप्शन गलत हैं, हमने बिल्कुल सॉल्व सही किया है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है 0.2 × 0.002 × 32 दशमलव गिन लेंगे ऊपर और नीचे क्योंकि सब में इंटू लगा हुआ है ना, तो तीन अंकों के बाद ये 3 × 2 = 5 = 6
तीन दो पाँच एक छः, है ना, दशमलव दशमलव हट जाएगा क्योंकि ऊपर भी छः अंकों के बाद नीचे भी, तो दशमलव से कोई मतलब ही नहीं बचा। ठीक है, अब देखो 16 दुना 32 दो आ गया, 2 दुना 4, ये 2 दुना 4 और ये 2 दुना 4 और 2 से ये 2 कैंसिल, बचा कितना 2 दुना 4 यानी 1/4 मिला। 1/4 को हम क्या लिखते हैं 0.25 इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर जिन भाई को नहीं समझ में आए फिर से देखो, दशमलव दशमलव हट गया, आप काटना है तो 2 दुना 4, ये 2 दुना 4 को 4 से हटा दिया क्योंकि दशमलव अब नहीं है क्वेश्चन में, 4 हमने हटा दिया। ठीक है, अब ये देखो 16 दुना 32 हुआ तो 2 से ये 4 हटा दिया, 1/4 हमारे पास बच गया ना, तो 1/4 बच रहा है, 1/4 बच रहा है। इसको 1/4 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी 0.25 आएगा, कन्फर्म। ठीक है, चलो आगे देखो। यहाँ पर दिख रहा है, अब देखो बहुत ध्यान से समझना है हर चीज़। यहाँ पर देखो 0.1 स्क्वायर, 0.01 स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ बताओ, 0.1 × 0.1 है, अगर 0.1 × 0.1 का स्क्वायर 0.1 × 0.1 होगा। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, बिल्कुल सेम फॉर्म में बनाना है, इस तरीके से हमको क्या बनाना है, इसको बनाने नीचे क्या दिख रहा है, 0.01 × 0.01 दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हमें ये बनाना है, तो इसमें क्या कॉमन लिया जाए, इसमें क्या कॉमन लिया जाए, तो हम कहेंगे केवल गुणे में कॉमन ले लो। देखो 0.1 है ना, तो चलो पहले इसको और सॉल्व करते हैं, तो 1/ इसको हटा देंगे तो 1/10, इसको मिटा देंगे 1/10 आ गया। ठीक है, अब अगर नीचे 1/10 खींच रहे हैं तो ये 1-1 हो रहा है, लेकिन अगर यही 10 हमने ऊपर खींच लिया, 10 खींच लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हो, ये अगर नहीं समझ में आएगा तो ऐसे समझो, नीचे हमको 1/10 इसको देना है, 0 बनाना है, 1/10 1/0 इसको देना है, 1/0 इसको देना है, यानी नीचे हमने किसका गुणा किया, 100 का गुणा किया, तभी तो नीचे 200 मिल गए, ऊपर भी हमको 100 का ही गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर भी हमको क्या करना पड़ेगा, 100 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला तो गुणा इधर हो गया, तो इसका क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पर 0.01 × 0.01 हमको मिल गया। ठीक है, यही मिल गया, जो ऊपर मिल गया वही नीचे सेम है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 20 को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, बहुत ध्यान से समझो क्योंकि इसमें बहुत थोड़ा सा ध्यान से समझना है। 0.1 का स्क्वायर है, यहाँ पर 0.01 का स्क्वायर है, मतलब 0.1 के स्क्वायर को सेम नीचे वाली की तरह हमको बनाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, 0.1 का स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, 0.1 × 0.1 लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, कन्फर्म, इतना कन्फर्म हो गया। अब एक चीज़ बताओ, हमको यहाँ पर क्या देना है, 0.01 बनाना है, तो नीचे हमको क्या करना है, नीचे 100 से गुणा करना है, तो 100 से नीचे भी गुणा कर देंगे और 100 से ऊपर भी गुणा कर देंगे इसमें, तो 100 से जब गुणा किया तो 1/0 हमने इसको दे दिया 100 का और 1/0 हमने इसको दे दिया, यहाँ से 100 हट गया क्योंकि गुणा हमने कर दिया, बचा ऊपर ही 101, है ना। अब ये क्या है, इसको फिर हमने जहाँ सॉल्व किया तो बचा क्या, 0.01, 100 है ना, 1/100 को 0.01 लिखेंगे × 0.01 और इसको जहां हम मिला के लिखेंगे तो 0.01 का स्क्वायर मिल गया, बिल्कुल सेम आ गया 0.01 के स्क्वायर, यानी हमको ऊपर 100 कॉमन लेना पड़ा, क्या कॉमन लेना पड़ा, 100 कॉमन लेना पड़ा, 100 इससे भी, 100 इससे भी, 100 इससे भी। अब जहां 100 हमने कॉमन लिया तो आपको यहां पर दिख गया है कि जहां हमने 100 ऊपर कॉमन लिया तो जो ऊपर की संख्या थी बिल्कुल सेम नीचे की तरह बन गई, 0.01 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0.001 का स्क्वायर, प्लस 0.0009 का स्क्वायर, यहाँ पर एक जीरो आप लोग बढ़ा लेंगे, ठीक है, 3 जीरो होंगे जैसे ऐसे लिखा है, बटे नीचे आपका वही मिल रहा है टर्म, और अंडर रूट लगाना ही है,
0.01 का स्क्वायर प्लस 0.0001 का स्क्वायर प्लस 0.0009 का स्क्वायर। देखो ये टर्म पूरा और ये टर्म पूरा कट गया, बचा कितना? अंडर रूट 100। अंडर रूट 100, अंडर रूट 100 की वैल्यू क्या होती है? 10^100। आंसर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी थी और यही आपको इसमें भी करना पड़ेगा। चलो एक चीज़ ऐसे भी समझ सकते हो, अगर ये चीज़ थोड़ा सा दिक्कत कर रही है तो आपको ऐसे समझना है, जब इस तरीके का क्वेश्चन आपको आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे? पॉइंट वन है, इसको इस तरीके से बनाना है तो ऊपर 100 कॉमन लेना पड़ेगा। 10 अगर देखो पॉइंट वन है, पॉइंट वन में अगर हम 10 घसीटते हैं, 10 कॉमन ले लें, 10 घसीट लें तो ये हो जाएगा 0.01 हो जाएगा। पॉइंट वन में अगर हम 10 घसीट लें तो ये क्या हो जाएगा? ये पॉइंट वन कितना हो जाएगा? 0.01 हो जाएगा, जब 10 हमने घसीट लिया। अगर 10 का गुणा कर दोगे फिर ये बन जाएगा, करो 10 × 10 तो फिर क्या बन जाएगा? 0.1 बन जाएगा। ठीक है, तो हम ये जान गए 10 हमने 0.1 था ना, लेकिन यहाँ पर क्या है? 0.1 का स्क्वायर था। क्या था? 0.1 का स्क्वायर था। तो हमें 10 0.1 से खींचना है और 1 0 1 10 किससे खींचना है? 1 10 हमें 0.1 से, क्योंकि दो बार घसीटने पड़ेंगे। या तो ऐसे भी समझ सकते हो, फिर हमें 10 स्क्वायर घसीटना पड़ेगा। क्या घसीटना पड़ेगा? 10 स्क्वायर घसीटना पड़ेगा ये बनाने के लिए। ठीक है, ये बनाने के लिए अगर 10 स्क्वायर 0.01 का स्क्वायर है तो सेम यही आएगा गुणा करने पर। तो हमने 10 स्क्वायर ऊपर कॉमन ले लिया, ऊपर की वैल्यू नीचे की वैल्यू सेम हो गई, कट गई। अंडर रूट के अंदर क्या बचा? केवल 10 स्क्वायर बचा था। 10^100 क्या बचेगा? 100। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है भाई? 10 ही होती है। ठीक है, ये हो गया एक तरीका। अब ये तरीका, अब यही नीचे फॉलो करना है। नीचे देख रहे हैं, नीचे ऊपर 2 अंकों के बाद, नीचे 3 अंकों के बाद, लेकिन सेम संख्याएं क्या है, नंबर क्या है? सेम है। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर? 10 स्क्वायर क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे ऊपर। तो अंडर रूट, अंडर रूट हमने क्या किया? 10 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ऊपर की जो वैल्यू है वो पूरी सेम हो जाएगी और नीचे की जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी? पूरी सेम हो जाएगी। और इससे इससे ये वैल्यू कट जाएगी, बचेगा कितना? अंडर रूट 100। और अंडर रूट 100 की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी आ गई? 10 आ गई। भाई कुछ समझ में आया? बी ऑप्शन इसे करेक्ट है सर। कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा सा आपको ध्यान देना है ये सब चीज़ पे। ठीक है, चलो आगे। तो 21 भी आपका सॉल्व हो गया, 21 भी आंसर आपका कितना आ रहा है? 10 ही आ रहा है। चलो ये क्वेश्चन है, फिर से देखो 6.1 है और यहाँ पर 0.61 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई? 1.1 10 ले लेंगे और जहाँ 10 ले लेंगे 10 स्क्वायर लेना पड़ेगा इसमें भी। 10 स्क्वायर जहाँ कॉमन लिया, ऊपर की वैल्यू सेम हो जाएगी, नीचे की वैल्यू भी सेम हो जाएगी और ये अंडर रूट लगा है, ये कट जाएगा, बचेगा रूट दस स्क्वायर। यानी रूट दस स्क्वायर 100 होता है और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। यहाँ पे भी आंसर आपका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कन्फर्म हो गया? वही चल रहा है सब जगह पे, वही चल रहा है हर जगह पे। ठीक है, अब देखो 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस भी होता है, ए प्लस भी होता है। तो ए माइनस भी पहले कर लेते हैं, तो 3.4567 माइनस कितना? 3.4533। एक तो ये हो गया। ठीक है, एक बार ये माइनस करेंगे, एक बार प्लस करेंगे। 3.4567 3.4533, ये एक बार प्लस करेंगे। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 में 3 गए 4, 6 में 3 गए 3 0 0 0, ये बचेगा माइनस करने पर। प्लस करने पर 7 × 3 = 10 के 0 आसे लगे, 6 × 3 = 9 = 10 के 0 आसे लगे, 15 × 10 = 11, 4 × 4 = 8 = 9, 3 × 3 = 9, 6.91 आ जाएगा। यानी ऊपर को जब सॉल्व किया तो 0.0034 इनटू ये ए माइनस भी आया और ए प्लस भी कितना? 6.91 ए प्लस भी आ गया, बटे क्या दिया है? 0.0034 दिया है। ये वैल्यू सेम हो गई, कट गई, आंसर आपका कितना आ गया? 6.91, जो कि यहाँ पर हमें दिख रहा है। पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 23 नंबर हमारे कंप्लीट हो गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहीं पर अगला क्वेश्चन भी ले लेते हैं, क्योंकि आज हम सिंप्लीफिकेशन का ये पूरा वाला पार्ट खत्म कर देंगे। गुणनफल पर आधारित है, तो थोड़ी देर हमको समझना है गुणा कैसे करना है 9-9 का।
हमें गुणा 99 के कैसे करना है। देखो दो मिनट के लिए बिल्कुल ध्यान से समझो, 99 का गुणा, समझे, 99 का गुणा अगर हमें 67 से करना हो, ठीक है, 999 एक तरफ आपका 9999 होगा, उसका गुणा आप किसी भी संख्या से करोगे तो कैसे करोगे मैं वो समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे एक तरफ केवल 999 है, एक तरफ 67 है, कब ये जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ कब संभव नहीं होगी, जब 99 इधर कितने हैं, इधर 99 की डिजिट कितनी है, दो है, इधर भी जो संख्या लिखी है उसमें डिजिट कितनी है, दो डिजिट, दो अंक है, ठीक है, तब तो पॉसिबल है। लेकिन पॉसिबल कब नहीं होगा, जब इधर 99 के जितने अंक होंगे और उधर उससे ज़्यादा हुए, अगर संख्या 6 7 8 9, यहाँ पे ये 9 अंक, 4 अंक हो गए, यहाँ पर कितने अंक हो गए, 4, लेकिन 99 के कितने अंक, 3 ही अंक है, तब जो हम तरीका बताने वाले हैं वो संभव नहीं है, वो नहीं लगेगा। तो कहाँ पर लगेगा, तो मैं बता रहा हूँ, जितने 9 के डिजिट हो संख्या या तो उतने ही डिजिट की हो जैसे जो गुणा करना है, या तो उससे कम डिजिट की हो, तब तो संभव है। जितने 9 में डिजिट होंगे, जो 99 के डिजिट होगी उससे अगर ज़्यादा डिजिट की कोई संख्या है, तो जो हम तरीका बताने वाले हैं वो फॉलो नहीं करेगी। समझो एक बार, जैसे हम कह दें 7 6 है, तो इसमें 99 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब तरीका क्या है, जैसे 99 का गुणा करना है तो 76 में एक घटा दो, 76 में एक घटा दिए कितना आ गया, 75। अब 9 में 5 घटा दो, 9 में 5 गया कितना आया, 4, और 9 में 7 घटा दो, 2, ये गुणा हो गया। फिर करते हैं थोड़े 4 5 गुणा करेंगे हम, 7 8 9 इंटू 9 9 9, हमने देखा 9 के इधर कितने अंक, 3 अंक, इधर भी 3 है, तो गुणा पॉसिबल है, वैसे हो जाएगा। लेकिन इधर अगर 4 अंक होते और इधर 3 ही अंक है 9 के, तो गुणा संभव नहीं था, ठीक है। कब गुणा संभव नहीं, इधर 3 अंक है, इधर 3 अंक है, गुणा संभव है। इधर अगर 2 अंक हैं, इधर 3 अंक है 99 के, तब भी गुणा संभव है। जो जिस संख्या का गुणा 99 वाली संख्या में करते हैं, उस संख्या के डिजिट हमेशा या तो बराबर हो या तो कम हो, ये आपको समझना है, ठीक है, तभी गुणा संभव है। अब जैसे ये देखो कम है, तो इसका भी गुणा हो जाएगा, 89 में एक कम कर दो कितना आ जाएगा, 89 में एक कम किया तो 88, 9 में 8 गए 1, फिर ये 9 में 8 गए 1, अब 9 तो इधर तो कुछ होता नहीं, इधर तो 0 होता, तो 9 में 0 गए कितना आ जाएगा, 9, तो 88911 ये गुणा हो गया। आप गुणा करके देख भी सकते हो कैलकुलेटर से, ठीक है। चलो देखो फिर से देखो, गुणा संभव है क्योंकि इधर 3 अंक है, इधर भी 3 अंक है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एक कम कर दो, 9 8 6, अब 9 में 6 गए 3, 9 में 8 गए 1, 9 में 9 गए 0, गुणा हो गया, ठीक है। समझिए फिर से बात को, समझिए फिर से बात को, समझिए, आप लोग चेक कर सकते हो गुणे बिल्कुल सही हैं ये सब, 4 3 2 8 इंटू 9 9 9 9, अब इससे गुणा कर रहे हैं, इधर 5 9 है लेकिन संख्या कम है, 4 ही डिजिट की है, तो गुणा संभव है क्योंकि इधर 5 डिजिट में है। संख्या हमेशा कम होनी चाहिए या तो बराबर होनी चाहिए, जो डिजिट है उन संख्याओं की वो तो कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, इतना आपको समझना है। तो अब इससे कम करके लिखना है, तो 4 3 2 7, 9 में 7 गए कितना आ जाएगा, 2, फिर ये 9 में 2 गए तो कितना आ जाएगा, 7, फिर 9 में 3 गए, 9 में 3 गए कितना आ जाएगा, 6, 9 में 4 गए कितना आ जाएगा, 5, आगे 0 है तो 9 यहाँ पर 0 मान लिया करो, जब 9 कुछ ना हो तो 9 0 गए 9 ऐसे उतार दो, ठीक है, ये गुणा हो गया आपका, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 43 करोड़ 27 लाख 95,672, यहाँ से आपका ये निकल आया गुणा, ठीक है। तो गुणा आप सीख गए हो, अब एक चीज़ और इसी में सीखनी है, एक चीज़ और सीखनी है, जैसे कहीं पर 1 से ही 1/2 का गुणा अगर 4 से बोल दिया जाए, गुणा 4 से बोल दिया जाए, तो इसका मतलब यह होता है कि 4 का पहले आप 1 में गुणा करो, फिर 4 का आप 1/2 में गुणा करो, समझे। यानी अगर इसको थोड़ा सा फिर से समझो, 1 से ही 1/2 कहीं पर लिखा है और इसका गुणा अगर 4 से करना है, तो भाई इसकी इसको अगर ओपन करके हम लिखेंगे तो भाई ये क्या होता है, 1+1/2 होता है। तो अगर इसमें ब्रैकेट लगा दो इंटू 4, अब तो कुछ समझ में आ रहा है, यानी 4 का गुणा पहले 1 से करना है, फिर 4 का गुणा 1/2 से करना है। कोई भी वैल्यू अगर सही बटे में लिखी है तो वो ऐसे ही ओपन की जाएगी, कैसे, जैसे कहीं पर लिखा है, कहीं पर लिखा है
तीन सही तीन बटे चार, तीन सही तीन बटे चार लिखा है तो आप इसको क्या लिखते हो, तीन प्लस तीन बटे चार लिखते हो, कुछ भी गलत नहीं है। दोनों चीज़ें क्या हैं, एक ही हैं, दोनों चीज़ें क्या हैं, एक ही हैं। जैसे कहीं पर कह दिया जाए चार सही एक बटे दो है तो आप इसको ओपन करके क्या लिख सकते हो, फोर प्लस वन बाई टू लिख सकते हो, ठीक है, फोर प्लस वन बाई टू लिख सकते हो। बीच में क्या आ जाता है, बीच में यहाँ पे प्लस लगा होता है, ठीक है, दिखता नहीं यहाँ पर, लगा होता है प्लस, समझे। चलो ये बात यहाँ पर समझ में आ गई। तो अब एक चीज और समझो यहाँ पर, फिर जैसे चार सही एक बटे दो है, इसका गुणा हमें दो से करना है, ठीक है, तो पहले दो का गुणा हम चार से करेंगे, फिर दो का गुणा हम एक बटे दो से करेंगे। तो दो का गुणा चार से क्या, दो चक्को कितना आ गया, आठ प्लस, अब एक बटे दो है तो एक बटे दो इंटू दो, दो से दो कैंसिल हो गया, यहाँ आठ और एक कितना आ गया, नौ आ गया। अब अगर डायरेक्ट भी सॉल्व करना चाहते हैं तो चार दो ना आठ एक, नौ बटे दो, अगर अंदर वाले को नौ बटे दो कहते हैं और इंटू दो, दो से दो कैंसिल हो गया, कितना बचा, नौ बचा। आपको इस तरीके से करना है क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन हैं, आपको प्लस लगाना है बीच में, ठीक है। तो चलो देखो कैसे करते हैं, यहाँ पर नाइन 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 है, यानी नाइन 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 का गुणा पहले इनसे होगा फिर बटे वाले संख्या से होगा। पहले अगर इनसे होगा तो पहले गुणा करना, फिर से हम देख लेते हैं 999 इंटू 999। अब इसको एक कम करके लिख दो 998। अब 9 में 8 गए एक, 9 में 9 गए 0, 9 में 9 गए 0, गुणा हो गया, प्लस लगा दो। अब 99 का गुणा जब इनसे करेंगे, देखो 995 बाई 999 इंटू 999, अब इनसे भी तो करना पड़ेगा। एक बार 99 का गुणा 99 से किया, एक बार 999 का गुणा 999 से किया, अब एक बार इनका गुणा इनसे करेंगे, बटे वाले में करेंगे। तो जब बटे वाले में करेंगे तो ये से ये कट जाएगा, बचेगा कितना, 995। बस इसको जोड़ना है तो 9 9 8 9 9 6 9 9 8 9 9 6 9 9 8 9 9 6, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको खुद दिख रहा होगा कितनी आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। चलो एक बार नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से हम समझाते हैं आपको। पहले 999 का गुणा इनसे करेंगे, फिर इनसे करेंगे, जब इनसे करेंगे बटे वाली संख्या में करेंगे तो 999 कट जाएगा, बचेगा 995 केवल, तो 995 जुड़ना है केवल 995। लेकिन पहले 999 का गुणा 999 से तो करो, उसी में तो ये 995 जोड़ेंगे हम, 999 का गुणा 999 से करना है। तो ये इधर 99 हो, इधर कोई भी डिजिट हो, लेकिन बराबर है ना दोनों तरफ डिजिट, तो हमने देखा 99 एक कम करके लिख दो, 998 एक कम करके लिख दिया, आप गुणा कर दिया, 9 में 8 गए एक, 9 में 9 गए 0, 9 में 9 गए 0, इसको क्या करना है, इसके साथ प्लस करना है, आंसर 998 996, ये आंसर आ जाएगा 998 996, ठीक है। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है 1/5, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 1/5 प्लस, देखो इसको ही हम सॉल्व कर लेते हैं, 999 का पहले इनसे गुणा होगा फिर बटे वाली संख्या में होगा, इनसे होगा, ठीक है। पहले आगे जो लगा हुआ है, क्योंकि बीच में प्लस होता है भाई, पहले 99 का गुणा इनसे करोगे फिर इनसे करोगे, कन्फर्म। तो देखो 999 का गुणा हम 99 से करेंगे, 99 से करेंगे तो एक कम करके लिख दो 98, ठीक 98। अब 9 में 8 गए कितना आएगा, 9 में 8 गए एक, 9 में 9 गए 0 और बचा केवल 9, तो 9 हमने उतार लिया। मतलब कि 99 का गुणा जब 999 से हुआ, 999 से हुआ तो इतनी आ गई वैल्यू, ठीक है, कंफर्म हो गया, इतना आ गया, कितना आ गया 98901। अब जब 99 का गुणा 494/495 पे करेंगे तो ये 5 बार जाएगा, 99/495 होता है, ठीक है, तो ये कट जाएगा 495, तो क्या आ जाएगा 494 बटे कितने बार कटा, 5 बार कटा, ठीक है, कट गया 5 बार, समझ में आ रहा है। तो ये देखो हर आपके इसके इसके हर सेम है, तो एक इसमें जुड़ जाएगा तो 495/5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको एक चीज़ और मिल गई, 98901 प्लस 495/5, 495/5 कितना आ जाएगा, 5, और यहाँ से हमने सॉल्व किया 5 9 45, 4 5 9 45, 99 आ गया। तो जोड़ लेते हैं, 9 1 10 के जीरो हाथ से लगे एक, 9 1 10 के जीरो हाथ से लगे एक, 9 1 10 के जीरो हाथ से लगे एक, 9
कितना आ गया 99,000। 99,000 यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है इसे करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इसे करेक्ट आंसर। कितना आ जाएगा? 99,000 आ जाएगा। ठीक है, चलो एक बार अगर थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में तो फिर से हम एक बार बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो देखो फिर से, अब बिल्कुल बेसिक समझो। 1/5, 1/5 प्लस 494/495 इंटू 99 लिखा है, तो हम इसको ऐसे उतारेंगे। 1/5 प्लस ये क्या लिखा है 999 प्लस 494/495। ठीक है, ये ब्रैकेट में कर दो। अब 99, अब समझ में आया कि 99 को गुणा पहले इसमें करना है फिर इसमें करना है और बीच में प्लस लगा रहेगा, तो फिर से उतार लो 1/5। जब हम 99 का गुणा इसमें करेंगे तो हम यहाँ पर कर लेते हैं इसको गुणा 99 इंटू 999। तो जब गुणा 99 का किसी भी 399 ही डिजिट में करना होता है तो इधर एक वैल्यू घटा देते हैं, तो 98 लिख लिया इधर। अब 9 में 8 गए, 1 9 में 9 गए 0 और बचा केवल 9, तो कितना आ गया गुणा करने पर 9 8 9 0 1, कितना आ गया 9 8 9 0 1, ये गुणा करने पर आ गया, तो हम इसको हटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, अब इनका गुणा जब इनसे करेंगे प्लस 494/495 इंटू 99, तो 99 पाँच बार जाएगा, कितने बार जाएगा 5 बार, 99 5 495 होता है, तो 494/5 1/5 हर सेम है, ये एक किसमें जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा जाके, तो क्या आ जाएगा 98901 प्लस ये कितना आ जाएगा 495/5 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, इसको इससे काट देंगे तो 5 9 45 99 आ जाएगा, और 99 को 98901 में जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 99,000 आ जाएगा, 99,000। यही आपका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, कन्फर्म हो गया, तो आप बेसिक से भी कर सकते हो, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख के क्वेश्चन सॉल्व करिए जैसे हम आपको बताते हैं। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सब में देखो 999, तो भाई देखो एक चीज़, 999 सही अगर 1/7 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम यही तो लिख सकते हैं 999 प्लस 1/7 लिख सकते हैं, कन्फर्म कि नहीं कन्फर्म? ठीक है, ये लिख सकते हैं, तो ऐसे ही तो सब में 999 प्लस लगा हुआ है, 999 इसमें भी प्लस लगाओ, इसमें भी प्लस लगाओ, इसमें भी, तो कितने 999? 1 2 3 4 5 6 हैं, और अगर इनको 6 999 को अगर जोड़ना है, अगर 6 999 को जोड़ना है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि नहीं 6 × 999 कह सकते, 6 × 999 कर लो। ठीक है, चलो आगे, आगे भी तो प्लस के बाद 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7 ये भी तो लिखा हुआ है, तो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक हर सेम है, यानी ऊपर की वैल्यू सब जुड़ जाएंगी, तो 6 4 10 5 15 3 13 13 2 15 15 1 रुकना 6 4 10 5 15 5 20 1 21 आया, 21/7 इधर मिल गया, इसको गुणा करना है तो 6 से 1 कम लिख दो 7, 9 में 7 गए कितना आ जाएगा 2 9 और 9, ये आ गया, इसको प्लस कर दो, यही आपका आंसर आ जाएगा, तो 7 3 21 3 2 कितना हो जाएगा 5 9 9 7, ये आपका आंसर है। 79 95 कहीं पर दिख रहा है, तो कुछ गलत हो गया है शायद, कुछ गलत हो गया, सॉरी 5 6 में 1 कम करके देखो गलती हो गई भाई, गलती हो गई, कितना आ जाएगा ये 5 6 में 1 गया 5, ये कितना आ जाएगा 6 में 1 गया 5, अब आंसर आ रहा है 599। देखो पूरा ही गलत हो गया, इधर गुणा करने में गलत हुआ है, समझे ये, चलो इधर तक बिल्कुल सही है, देखो 6 में 1 कम किया 5 आया, 9 में 5 गया 4 आएगा भाई, फिर 9 और 9, तो 5 9 9 और 4 3 7, 5 9 9 7, ए ऑप्शन इज द करेक्ट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कन्फर्म?
ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी है भाई। अब ये करते हैं, ये चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन करते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, 99 का गुणा पहले इनसे करना है फिर इनसे करना है। जब इनसे करेंगे तो ये कट जाएगा, 98 जुट जाएगा मतलब। तो देखो 99 का गुणा 999 से करना है, तो 999 लिखकर हम एक कम लिख देंगे 98। हम बता रहे हैं एक कम लिखो फिर घटा दो, 999 में 98 घटा दो, 9 में 8 गए, 9 में 8 गए कितना आएगा भाई, 9 में 8 गए 1, 9 में 9 गए 0, बचेगा कितना 9। गुणा करने पर ये आ गया, गुणा करने पर ये आ गया, प्लस क्या करना है, प्लस भाई 99 का गुणा 98/99 में करना है, 98/99 में भी क्या करना है, 99 का गुणा करना है। पहले 99 का गुणा, 99 का गुणा 999 की में किया, ये आ गया, फिर 99 का गुणा 98/99 में करेंगे, ये से ये कैंसिल हो गया, बट 98 यानी कह रहे हैं 98 केवल जोड़ के हमें आंसर दे दो, 8, 1, 9, 9, 9, 9, 8, ये आंसर जहाँ पर दिख रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, 98999, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कन्फर्म, आगे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, ठीक है, और आगे मौका मिलेगा तो जरूर करवाएंगे ऐसे क्वेश्चन, लेकिन कोर्स है, कोर्स में जितने लिमिटेड क्वेश्चन हो जाएं और इसी से समझ जाएं आप लोग तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 1/7, 1/7 प्लस 999, 692/693 इंटू 99। देखो 99 का गुणा पहले इनमें करना है फिर इनमें करना है, ये तो बात कंफर्म है, तो 1/7 बिल्कुल इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसी तरीके से, प्लस जब इनका इनका गुणा करेंगे, और बार बार आप कर रहे हो 99 का गुणा 999 से करना है, तो ये एक कम कर दो 98, और 9 में 8 गए कितना 1, 9 में 9 गए 0, और 9, 9, 8, 9, 0, 1 आएगा, 9, 8, 9, 0, 1, ये कन्फर्म हो गया। अब इनका जब उनसे गुणा करेंगे तो 9, 99 × 7 करेंगे तब 693 आता है, तो इनसे इनका गुणा जब इनसे करेंगे तो कट जाएगा कितने बार, 7 बार, तो भाई कितना आ गया 692/ कितना आ गया 7, और 692 में 1 जोड़ देंगे तो 9, 8, 9, 0, 1 प्लस 692 में 1 जोड़ देंगे तो 600 आ जाएगा 93/ कितना 7, और 7 से इसको काटेंगे तो 799 बार जाएगा। ठीक है, क्योंकि 99, 693 कट रहा था ऊपर ही देख लिया, तो 99 बार जाएगा, इसको हमें क्या करना है जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा 98,901 में 99 हमने जोड़ दिया तो कितना आ गया 99,000 आएगा। आप जोड़ के देख सकते हो, आप जोड़ के देखना कितना आएगा। ठीक है, देखो 9, 1, 10 के 0 हाँ से लगे 1, 9, 1, 10 के 0 हाँ से लगे 1, 9, 1, 10 के 0 हाँ से लगे 1, 8, 1, 9, 9, यहाँ से कंफर्म हो गया कि 99,000 ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। चलिए, तो एक टाइप और बचा है, हम सोच रहे हैं इसी में ही ख़त्म कर दिया जाए, देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है, समझाना। वर्गमूल वाले घनमूल आधारित हैं, इनको हम करेंगे वर्गमूल में कंप्लीट करेंगे, इनको सिंप्लीफिकेशन में नहीं पढ़ेंगे, है ना। चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। सब लोग पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे कैलकुलेशन आपका मजबूत नहीं होगा, और कैलकुलेशन मजबूत नहीं होगा तो हमें भी बताने में बहुत ज़्यादा कष्ट होगा, समझाने में, क्योंकि आपको इतना आता है तो आगे हम आपको कॉन्सेप्ट बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन इस तरीके से, इस रास्ते पर जाओगे तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन ही नहीं आता है तो भी भाई दिक्कत है ना। कैलकुलेशन की भी हम क्लास लेंगे, लेकिन अभी जो कोर्स चल रहा है, जिस हिसाब से कोर्स चल रहा है, कि जिन बच्चों को आता है उनका भी नुकसान ना हो, और जिन बच्चों को नहीं आता है उनको तो हम बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।